नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनिस्ट न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं जो कुछ खास खबर। कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत देने से किया इनकार, कहा आर्थिक अपराध सोचकर होते हैं। अदालत ने कहा एक हत्या आवेश में आकर की जा सकती है, लेकिन आर्थिक अपराध शांत चित्त गणना के साथ किए जाते हैं। याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। मुंबई के एक विशेष अदालत में ने कथित भ्रष्टाचार और आधारित पद के दुरुपयोग में मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो CBI मामले में जांच कर रहा है। अदालत ने कहा कि इस तरह के सफेदपोश अपराध के देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और वह बर्खास्त पुलिस अधिकारी को आरोपी से बदामश गवाह बनने सचिन वाजे के बयान के नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि देशमुख की सक्रिय भागीदारी और सार्वजनिक दायित्व ये निर्वाहन में अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए। देशमुख ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निर्देशालय के मामले में 4 अक्टूबर को जमानत दिए जाने के बाद इस मामले का भी जमानत याचिका दाखिल की गई है और अधिवक्ता अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह के माध्यम में दायर जमानत याचिका में दावा किया गया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता के खिलाफ मामला CBI की मनमर्जी पर टिका है और पूरा मामला पूर्व IPA अधिकारी परमबीर सिंह और सचिन वाजे के बयानों पर आधारित था। जमानत याचिका में कहा गया था कि इस बात के सबूत है कि वाजे मुंबई में बार मालिकों से रिश्वत इकट्ठा करने वाला इकलौता व्यक्ति था। याचिका में दावा किया गया था कि वाजे और सिंह ने अपने ख्याल को बचाने के लिए झूठे बयान दिए थे और झूठे बयानों के बाद CBI की विशेष अदालत ने में न्यायाधीश SH गलवानी देशमुख को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि वाजे और अन्य बयानों को देखना अनदेखा नहीं किया जा सकता है और उनमें बताए गए तथ्यों को जमानत में की सुनवाई के चरण में आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देशमुख की चिकित्सकीय स्थिति पर अदालत ने कहा कि उन्हें जेल में पर्याप्त चिकित्सा मिल रही है। न्यायाधीश ने कहा कि देशमुख पर एक गंभीर अपराध का आरोप है जिसमें एक बड़ी राशि भी शामिल है और इस तहत के से सफेद पोश अपराध राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं तथा इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि एक हत्या आवेश में आकर की जा सकती है, लेकिन आर्थिक अपराध शांत चित्त गणना के साथ नहीं किया जा सकते। मेरे विचार है कि इस तरह के गंभीर अपराध को रोकने के लिए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NSP नेता ने 2021 में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। उन्हें पिछले हफ्ते कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मार्च 2021 में वरिष्ठ IPS अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरा और बार में प्रति माह 100 करोड़ रुपए उगाही करने का लक्ष्य दिया था। मार्च 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक कार में मिली विस्फोटक सामग्री के मामले में गिरफ्तार पूर्व सहायक पुलिस निर्देशक सचिन वाजे ने भी उन पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। नवाब मलिक अनिल देशमुख को वोट देने की अनुमति नहीं देने उनका अधिकारियों को रोनने का समान। शिवसेना ने सोमवार को दावा किया कि जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायकों को नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्य विधान परिषद चुनाव में वोट देने की अनुमति नहीं दिया जाना और इन दिनों निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारियों को रोनने के समान है। आदि शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय ने कहा कि इस महीने की शुरुआत से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे भारतीय जनता पार्टी भाजपा को विधायकों को महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट देने के लिए एम्बुलेंस में लाया गया था। शिवसेना ने इस भाजपा भेदभावी की राजनीति करार दी और धन शोधन के अलग अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के मंत्री मालिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री देशमुख दोनों ही फिलहाल जेल में हैं। बम्बई उच्च न्यायालय में
महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव में मतदान करने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई का अनुरोध किए करने वाली दोनों नेताओं ने याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हो रहा है। सत्तारूढ़ सहयोगी दलों शिवसेना, रंकापा और कांग्रेस ने दो दो उम्मीदवार चुनाव में मैदान में उतारे, जबकि भाजपा में के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की 6 सीट पर 10 जून को राज्यसभा चुनाव की शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार भाजपा से हार गए थे। सामना के संपादकीय में कहा गया कि देशमुख और मलिक की विधानसभा सहायता अभी बरकरार है और उन्हें आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान के लिए वस्ते के 1 घंटा के लिए लाया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, शिवसेना नेता संजय राउत की जेल हिरासत में 14 दिन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद संजय राउत की जेल हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले प्रवर्तन निषेधालय के शुक्रवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया गया था कि पात्रा चौल पुनः विकास परियोजना से जुड़े धन शोधन में नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पर्दे के पीछे रह गया काम किया है और राज्यसभा सदस्यों के मामले में जुलाई में गिरफ्तारी किया गया और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उन्होंने विशेष पीएमएलए के अदालत में जमानत की अर्जी दी है। ईडी ने राउत के इस दलील को खारिज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक बदले में के रूप में की गई है। जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने अपने प्रॉक्सी और करीबी सहयोग प्रवीण राउत के जरिए अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, धन के लेन देन से बचने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। ईडी पात्रा चौल पुनः विकास परियोजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं के जांच कर रही है। उपनगर गोरेगांव में स्थित भारत सिद्धार्थ नगर जौकी पात्रा चौल के नाम में लोकप्रिय है। 33 एकड़ में ज़्यादा भूमिका में फैली हुई है और उसमें 669 किराएदार परिवार रहते हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज पर। नमस्कार। जिला तथा सभी देशवासियों को माननीय राजेंद्र जैन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सचिव की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला तथा सभी देशवासियों को माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।